ब्रेक लगा बाजीराव, तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। तब तेरा सामना सिर्फ विश्वास पूर्वक पुलिस वालों से हुआ है। जिस दिन तेरा सामना एक सच्चे पुलिस ऑफिसर से हो जाएगा ना, पैंट गीली हो जाएगी। अजय की बर्थडे पर कहां नजर आए उनके फैंस? किस फिल्म के लिए अजय ने ली है कोई भी फीस? बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर और सबसे बेहतरीन एंटरटेनमेंट और एक्शन के शानदार कॉम्बिनेशन से फिल्में बनाने वाले मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी हमेशा से ही अपनी फिल्मों को लेकर लोगों के दिलों में छाए रहे हैं। उनकी ज्यादातर फिल्में हमेशा सुपर हिट ही साबित हुई। ऑडियंस को उनकी एक्शन, उनका एंटरटेनमेंट और ड्रामा, ये सब भरी हुई फिल्में बहुत पसंद आई। उनकी फिल्मों को पसंद करने वाले फैंस के लिए एक अच्छी खबर है, और वो अच्छी खबर ये है कि उनकी फिल्म सूर्यवंशी की अच्छी सफलता के बाद वो जल्द ही सिंघम 3 पर काम करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, दरअसल फिल्म सूर्यवंशी के क्लाइमैक्स में उन्होंने और अजय देवगन ने सिंघम सीरीज के फैंस को ये गुड न्यूज दी थी। उनकी इस फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतते हुए नजर आएंगे, और उनके साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस काजल अग्रवाल एक बार फिर सिंघम सीरीज का हिस्सा बन सकती है। इससे पहले भी काजल सिंघम सीरीज की पहली फिल्म में अजय के अपोजिट काम कर चुकी हैं, और ऑडियंस ने अजय और काजल की जोड़ी को खूब ज्यादा पसंद किया था, और सिंघम फिल्म भी अच्छी खासी कमाई करने में सफल हुई थी। और भी जल्द एक बार फिर ऑडियंस को ये जोड़ी बड़े पर्दे पर देखने को मिल सकती है। फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले हीरो अजय देवगन का अभी कुछ दिनों पहले ही यानी 2 अप्रैल को बर्थडे था। उन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ली, और वो रोज की तरह अपने प्रोडक्शन हाउस गए और वापस आ गए। दोपहर से ही उनके घर के बाहर उनके फैंस की जो भीड़ इकट्ठा हुई, मतलब पूछो ही मत। उनके सभी फैंस उनके लिए अलग अलग गिफ्ट्स लाए थे। उनके कुछ फैंस उनकी हैंडमेड स्केचेस बनाकर लाए थे, तो कुछ उनके द्वारा दी गई सबसे फिल्मों में उनके रोल्स का फोटो फ्रेम बनवा कर लाए। बीते शाम जब अजय अपने घर पहुंचे तो अपने गेट पर लगी भीड़ को देखकर वे एकदम हैरान हो गए, और उन्होंने अपनी कार से बाहर निकलकर अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया, और अपने बॉडीगार्ड से उनके द्वारा लाए हुए गिफ्ट्स को घर के अंदर ले जाने के लिए भी कहा। अजय वाकई में बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ एक्टर्स में से एक है। उनमें कोई बाकी एक्टर की तरह जरा सा भी घमंड नहीं। वैसे क्या आपको पता है कि हाल ही में अजय ने साउथ के डायरेक्टर एस एस राजमौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR में काम किया था। फिल्म में उनका रोल भले ही छोटा था, ये कहें कि गेस्ट अपीयरेंस था, लेकिन उनके फैंस को उनका वो काम भी बहुत ज्यादा पसंद आया। राजमौली की इस फिल्म में काम करने के लिए अजय ने कोई भी फीस नहीं ली, क्योंकि राजमौली उनके अच्छे दोस्त हैं, और अपनी दोस्ती की वजह से उन्होंने फीस लेने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन राजमौली साहब जब नहीं माने तो उन्होंने अजय को शगुन के तौर पर 51 रुपीज दिए थे, जिससे अजय ने अपनी फीस मान कर रख लिया। अजय जल्द ही रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम 3 में अभिनय करते नजर आएंगे। उनकी ये फिल्म अगले साल के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।